नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौसम पवार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम अनबॉक्सिंग करेंगे बाइक मोबाइल चार्जर की, जो कि मोबाइल होल्डर भी और मोबाइल चार्जर भी है। चलिए फटाफट से जो हम इस बॉक्स को जो है ओपन कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मैंने बॉक्स जो है मैंने निकाल लिया हूँ। बॉक्स जो है आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बताना चाहूँगा ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने अमेजन से परचेज़ किया हुआ है और इसे जो है मैं अपनी बाइक पर इंस्टॉल करूँगा विथ इग्निशन के साथ में। जो है मैं इसे इंस्टॉल करूँगा, जिसके बारे में जो है मैं आपको पूरी जानकारी बताऊँगा। अब बात कर लेते हैं हम मोबाइल चार्जर के बारे में जो बाइक का है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है हमें एक मोबाइल होल्डर मिल जाता है, जिसके अंदर एक चार्जर अटैच है। और आप ये देख पा रहे होंगे कुछ हमें जो है पैड मिल गए, जो कि मोबाइल होल्डर जो है उसके ऊपर लगाने के लिए। तो हम जो है अभी इसे बाजू में रखते हैं। ये देखिए, ये आपको जो है कुछ रबर टाइप की है, ये शायद मोबाइल को गिरने से बचाने के लिए है। फटाफट से जो है अब अपना जो मोबाइल होल्डर है हम उसे जो है ओपन कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसके दो पॉइंट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि डायरेक्ट बैटरी के टर्मिनल वाला जो इसमें कनेक्शन दिया हुआ है। और ये देखिए ये चार्जर है, मोबाइल चार्जर। और देखिए इसमें एक स्विच दिया हुआ है, एक छोटा सा बटन है जिससे ये ऑन ऑफ होता है। अगर आप डायरेक्ट बैटरी से अगर इसमें कनेक्शन करते हैं तो आप उस बटन के थ्रू जो है इसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा ये 360 डिग्री रोटेट भी हो जाता है। ये देखिए जो स्विच रोटेट हो जाता है ये। और ये देखिए हम इसमें जो है इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए अब जो है हम फटाफट से जो है अपनी बाइक में इंस्टॉल करते हैं, देन उसके बाद में जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसे मैंने कैसे इंस्टॉल किया हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो है मोबाइल बाइक होल्डर जो है उसे इंस्टॉल कर लिया है बाइक पर। और ये देखिए मैं इसका जो है स्विच को मैं जो है ऑन कर देता हूँ इस, और अब जो है देखिए मैं इग्निशन जो है ऑन कर दे रहा हूँ गाड़ी का। आप देख पा रहे होंगे चार्जर में जो है ब्लू लाइट जल चुकी है, ब्लू लाइट जल चुकी है मतलब कि चार्जर जो है चालू हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो है इस चार्जर को जो इग्निशन के साथ जो है कनेक्ट करूँगा। अब मैं एक बार फिर से जो है अब देख लीजिए, इग्निशन देखिए ऑन है और चार्जर भी ऑन है। मैं इग्निशन ऑफ कर देता हूँ गाड़ी का, तो देखिए चार्जर भी जो है बंद हो चुका है। मैं देन दोबारा से इग्निशन ऑन कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि चार्जर फिर से ऑन हो चुका है। चलिए अब इसके कनेक्शन की बात कर लेते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इसका जो कनेक्शन है वो मैंने फ्रंट ब्रेक से दिया हुआ है। इसमें जो मैंने एक पॉजिटिव वायर जोड़ा हुआ है फ्रंट ब्रेक में, देख पा रहे होंगे आप वहाँ फ्रंट ब्रेक का कनेक्शन है, वहाँ पर एक पॉजिटिव वायर जोड़ा हुआ है मैंने। और अब बात करें अगर इसके नेगेटिव की, तो नेगेटिव तो पहले मैं गाड़ी पर कहीं भी दे सकता था, बट मुझे एक भैया ने मना कर दिए, तो फिर मैंने जो है नेगेटिव वायर जो था उसे जो है मैंने बैटरी से दे दिया। मीन्स गाड़ी में जो नेगेटिव जो है वो मैंने बैटरी से दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करिए।